अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम पारो को मुझसे दूर करना चाहती हो इसलिए किडनैप करवाना उसका। अभी तक मैंने ये बात की नहीं थी लेकिन अब जरूरी है। जज साहिबा को भी तो पता होना चाहिए कि पारो को मुझसे दूर करने के लिए ये उसका किडनैप भी करवा सकती है। मैंने किडनैप नहीं करवाया उसका, तुमने करवाया। तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहते हो। अब यहाँ खड़े होके ना महान बनने की एक्टिंग मत करो। मैं कोई महान बनने की ना एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। ऋषि ने नहीं, पारो को तुमने किडनैप करवाया है। और क्या, और ये बात साबित भी हो गई कि किडनैपिंग के पीछे तुम ही हो। हाँ, सब कुछ तुमने किया और इल्जाम तुम ऋषि भाई पे लगा रही हो। हाँ, बहुत गलत कर रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो सच है। मैंने पारो का किडनैप नहीं कराया है। तुमने ही पारो को किडनैप किया। मैं उसकी माँ हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बाकी मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसे बचाने के लिए, और मैंने किया भी है। जैसे ही मुझे पता चला मैं भागी और मॉल मैंने बचाया है उसे। तो बचाया तो मैंने भी उसे बचाया। और लक्ष्मी देखो, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ तुम पे कि तुम पारो से कितना प्यार करती हो, नहीं करती। हम सब जानते हैं तुम पारो से बहुत प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो। हमें सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम पारो को हमसे दूर करना चाहती हो। जिस बच्ची को उसके परिवार का भी प्यार मिलना चाहिए वो मिलने से तुम रोक रही हो। तुम गलत बोल रहे हो, ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे। क्या गलत लगाया जा रहा है? हिंदी बिल्कुल सही बोल रही है। सॉरी और ऑनर, मैं ऐसे बीच में बोल रही हूँ, लेकिन दीप बिल्कुल सही बोल रही है। दीप पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और इससे ही समझ आता है कि ये परिवार क्या चाहता है। ये परिवार यही चाहता है कि पारो पारो यहीं पे रहे, हम उसे ना लेके जाए। योर ऑनर, दी के खिलाफ ऐसी गलत बातें बोल के दी को दोषी ठहराया जा रहा है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। गलत, बिल्कुल गलत बोल रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गलत बोलने की? हाँ, ऑर्डर ऑर्डर, आप सब शांत हो जाइए। मैंने पहले भी समझाया था, ये अदालत है, आपका घर नहीं। तो आप लोग अपने व्यवहार को संभालिए, बैठ जाइए सब लोग। नीलम जी, आप भी बैठिए। जो भी हो, आज अदालत में मैंने जो देखा, जिस तरह पूरा परिवार पारो के लिए यहाँ लड़ रहा है, इससे ये तो साफ हो जाता है कि आप सब पारो से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और इस मामले में पारो सच में बहुत लकी है कि उसे पूरा परिवार इतना प्यार करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि पारो को सिर्फ ऋषि या सिर्फ लक्ष्मी के साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, लास्ट टाइम जब आप दोनों यहाँ थे तो आप दोनों पारो के लिए कह रहे थे कि पारो मेरी बेटी है, पारो मेरी बेटी है। लेकिन आज दोनों ने ही उसे हमारी बेटी कहा। मतलब मैं से हम का सफर तय हुआ है और इस मैं को हम में बदलने वाली कड़ी है पारो। और ऐसा ही होता है, बच्चे अक्सर माँ बाप को करीब लाते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ पारो भी अपने माता पिता को करीब ला रही है। नहीं नहीं, ये दोनों करीब नहीं आए हैं योर ऑनर। आपने नहीं देखा है, हमने देखा है, ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये दोनों करीब होते तो पारो का किडनैप ही नहीं होता। ये लक्ष्मी पारो का किडनैप ही नहीं करती। अनुष्का, तुम क्या जज बन रही? मैंने पारो का किडनैप नहीं करवाया है। कितनी बार सेम चीज बोलनी पड़ेगी? सब लोग कब से गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने नहीं, ऋषि ने करवाया पारो का किडनैप। मैंने नहीं, तुमने करवाया पारो का किडनैप, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। छुप छुपा रही हूँ यहाँ पे। ऑर्डर ऑर्डर, देखिए ये जो आप किडनैपिंग का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं वो एक अलग मैटर है। उस मामले की सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती, वो एक अलग मामला है, उसके लिए अलग से केस कीजिए। लेकिन जितना मैं दुनिया को जानती हूँ, जो मेरा अनुभव है, आप दोनों को देख के मैं ये कह सकती हूँ
ये काम आप दोनों कर ही नहीं सकते। किसी और का काम है ये, वो आप दोनों को अलग करना चाहता है, कोई खेल खेल रहा है आप दोनों के साथ। आप दोनों ही बच्ची से बहुत प्यार करते हैं और बच्ची भी आप दोनों से बहुत प्यार करती है। मैं पारो से मिल चुकी हूँ और वो आप दोनों के साथ रहना चाहती है। उसे अपने सर पर पिता का हाथ भी चाहिए और पिता से हिफाजत और सुरक्षा चाहिए। और साथ में उसे माँ भी चाहिए गले लगने के लिए। क्योंकि माँ की ममता और माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खुद को महफूज और सेफ महसूस करते हैं। मतलब साफ है, आप दोनों एक दूसरे से एक अटूट बंधन में बंधे हो, पारो की वजह से, पारो के लिए। तो मैं आप दोनों को अलग नहीं कर सकती और इस तरह तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मैं आप दोनों को एक आखिरी मौका और दूंगी ताकि आप दोनों अपने इस रिश्ते को और मजबूत कर सको। ताकि मैं से हम तक पहुंचा हुआ सफर और आगे बढ़ सके और आप दोनों एक कपल की तरह, एक परिवार की तरह साथ रह सको। क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ के लिए ही बने हैं। तो कोर्ट का ये फैसला है, ऋषि लक्ष्मी आप दोनों को एक आखिरी मौका और दिया जाएगा। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं 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 रोने, ये आप कैसे? फैसला हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।